सात्विक कोडर्स, तो इस वीडियो में मैं आपको पम्पकिन सूप की रेसिपी बताने वाली हूँ जो आपको इस बारिश के मौसम में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये पम्पकिन सूप बनाने के लिए हम लेंगे पम्पकिन, ये है अराउंड हाफ के जी पम्पकिन, फिर फ्रेश कोरिएंडर, जितने हो सके हम फ्रेश हर्ब्स ही यूज़ करेंगे, और हीट इंड्यूसिंग स्पाइसेस यानी गरम मसाला और रेड चिली, ये सब कम से कम इस्तेमाल होना चाहिए सात्विक कुकिंग में। और साथ ही में हम ले रहे हैं आधा ग्रीन चिली हरी मिर्च, 1/4 चम्मच ये है सिनेमन पाउडर यानी दालचीनी पाउडर, यह है 1/4 चम्मच जीरा पाउडर और नमक स्वाद अनुसार लेंगे, और ये है मिक्सड ऑफ इटालियन हर्ब्स जो ड्राइड हर्ब्स हैं जैसे थाइम, बेजिल, ऑरिगेनो, तो ऐसे आपको मिल जाएगा मार्केट में बहुत इजीली, तो हाफ टीस्पून आप ये भी ले सकते हैं। और अभी हम ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसको स्टीम कर लेंगे, इसको स्टीमर में डाल देंगे एक साथ, फिर नेक्स्ट होगा ब्लेंड करना बस। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है इसको स्टीम करना है, तो ये मैंने एक सॉस पैन लिया है, इस पर थोड़ा सा हम पानी डालेंगे क्योंकि हमें स्टीम करना है, और ये है एक स्टैंड, फिर इस पर हम रखेंगे एक बर्तन जो फिट हो जाए इसमें, फिर हम इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स जो भी है हमारा पम्पकिन, पहले पम्पकिन डाल देते हैं, फिर ये रेड पम्पकिन में भी वेराइटीज़ होता है जैसे रेड पम्पकिन, येलो पम्पकिन, रेड ज़्यादा मुझे पसंद है तो हो सके तो आप रेड भी सोर्स कर सकते हैं। तो इसके साथ हम सारे मसाले भी डाल देंगे, जो भी हमने मसाले निकाल के रखे थे वो भी इसको डाल देते इसी के ऊपर, तो इसमें ये सिनेमन, नमक, जीरा पाउडर और ये जो भी इटालियन स्पाइसेस है सारे डालेंगे, और बहुत एंजॉय करेंगे ये कुकिंग के कलरफुल प्रोसेस को भी साथ में, ताकि और टेस्ट बढ़ जाए डिश का। फिर अगर आप इसको जो भी गार्निशिंग के लिए आप अगर ब्रोकली ले रहे हैं या फिर कैरेट्स ले रहे हैं तो फिर वो भी साथ ही में आप स्टीम कर सकते हैं ताकि और कलरफुल लगे। और ट्राई करें ये जो पम्पकिन है ना, आप स्किन के साथ ही इसको डालिए क्योंकि स्किन में बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स होता है, तो कोशिश करें कि आप स्किन के साथ ही डालें। तो हमने पम्पकिन को 15 मिनट स्टीम होने के लिए रखा था, तो ये स्टीम हो चुका है, और साथ ही में छोटे से वाटी में हम लोग ने ब्रोकली और कैरेट्स जो हमें फाइनली लास्ट में गार्निश के लिए यूज़ करना है वो भी साथ ही में स्टीम कर लिया था। अभी हम इसको नेक्स्ट इसको छोड़ के, गार्निश वाले इंग्रेडिएंट्स को छोड़ के सब कुछ ब्लेंड कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप है आपको जो भी स्टीम हुआ उसको थोड़ा सा वार्म होने दीजिए, फिर उसको ब्लेंडर में ऐड कर दीजिए, सारे इंग्रेडिएंट्स को ब्लेंडर में मिक्स करना है, फिर आप ऐसे कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं सब्जियों के जो आपको सूट होता है, और अभी मैंने पम्पकिन लिया है पर आप कोई भी जो भी मौसम के सब्जियां हैं और आपके जो टेस्ट के हिसाब से आप कंबाइन कर सकते हैं और वैसे आप सूप बना सकते हैं। अभी मैं इसको ब्लेंड करने वाली हूँ। तो ब्लेंड करने के पहले मैं ये बताना चाहती हूँ और एक इंग्रेडिएंट जो कोकोनट मिल्क है ये भी आप ऐड कर सकते हो, मैं इसमें अराउंड हाफ कप ऐड कर रही हूँ बट ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, एंड अगर आप एक्सरसाइज कर रहे तो ही इसको ऐड करें, और ये वेट गेन के लिए भी बहुत अच्छा है अगर आप सात्विक वे में वेट गेन करना चाहते हैं, पर इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज भी अकॉर्डिंगली करें। बट अगर आप अभी भी हीलिंग स्टेज में और आपको दर्द हो रहा है और आप बेड से उठ भी नहीं पा रहे हो, वॉकिंग भी नहीं कर पा रहे हो, तो आपको कोकोनट मिल्क अवॉइड करना चाहिए। बिना कोकोनट मिल्क भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहेगा, और बाद में आप जैसे आपका हीलिंग शुरुआत होता है और आप कंप्लीटली पेन फ्री भी हो, एक्सरसाइज कर पा रहे हो 1-2 घंटा,
तभी आप कोकोनट मिल्क ऐड करके इसको भी एंजॉय कर सकते हैं, और कोकोनट मिल्क के साथ ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। अभी मैं इसको ब्लेंड करूँगी कोकोनट मिल्क ऐड करने के बाद। तो ये अभी ब्लेंड हो चुका है, अभी नेक्स्ट हम इसको बहुत ही प्यार से सर्व करने वाले हैं, बहुत ही डेकोरेट करके। ये प्रोसेस, डेकोरेशन का प्रोसेस सबसे मज़ेदार होता है। देखिए ये ब्लेंड हो चुका है और ऐसे येलो कलर का हो गया है, अभी हम इसको सर्व करें। और फिर देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है, और हम इसे बहुत ही प्यार से डेकोरेट करेंगे हमेशा की तरह, क्योंकि वो भी सात्विक हमारे वाइब्रेशंस होते हैं थॉट्स के। तो हम जब खुशी से जो भी खाना बनाते हैं किचन में, तभी वो हमारे शरीर को भी निरोगी बनाता है। तो हमारे संकल्प का सात्विक होना ज़्यादा ज़रूरी है। सात्विक संकल्प भी मिल जाता है ये खाने में, तभी वो जाके सात्विक तभी वो जाके सात्विक डिश कहलाता है। तो जब भी आप बनाते तो हमेशा वो इंटेंशन से बनाएं कि आप ऑलरेडी हेल्दी है, पेन फ्री है और एन्जॉय कर रहे हैं लाइफ को। और किचन में कभी नेगेटिव एनर्जी नहीं होना चाहिए, जैसे क्रोध और झगड़े का, एंगर का। तो हमेशा प्यार का वाइब्रेशन फैला होना चाहिए किचन में। जैसे ये शरीर एक मंदिर है और किचन में हमारा खाना बनता है, तो किचन का बहुत ही प्योर वाइब्रेशंस होना बहुत ज़रूरी है। तो इतना इजीली बन जाता है ये डिश, पंपकिन सूप, और कितना लवली लग रहा है। तो आप इसी तरह इजीली, बहुत इजीली बना सकते हैं ऐसा सात्विक पंपकिन सूप। एंड अभी टाइम है ये एन्जॉय करने का, ये गर्मा गर्म सूप को। अभी रेनी सीजन भी है, बारिश के मौसम में तो सूप हो तो बहुत ही मज़ा आ जाता है। यू विल फील वॉर्म एज वेल। आपको आपको अगर पेन हो रहा है कोई जॉइंट्स में, तो आपको थोड़ा रिलीफ भी फील होगा जब आप ऐसे वॉर्म सूप को कंज्यूम करेंगे। तो अब मैं इस सूप को टेस्ट करने जा रही हूँ और मैं बहुत ही खुश हूँ। तो ऐसे बना के इसका वीडियो लेकर, फोटो लेकर आप ज़रूर शेयर कीजिए आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि वो भी मोटिवेट हो जाए सात्विक फूड खाने के लिए। तो देखते हैं टेस्ट कैसा है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और इसको चीव सूप भी है तो आप इसको चीव करके ही खाइए, क्योंकि हमारे सलाइवा के साथ ये फूड अच्छे से मिक्स होता है, तब वो फूड प्रॉपर डाइजेस्ट होता है। और हो सके तो साइलेंस में ही एंजॉय करके खाइए, बारिश के मौसम में व्यू को एंजॉय करके। जैसे मैं, मेरा व्यू बारिश का मौसम है एक्चुअली बाहर, और मैं ये विंडो के थ्रू एंजॉय कर रही हूँ बाहर का नेचर का व्यू। और जब साइलेंस में इसको फूड को देख देख कर खाते हैं ना, तो हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड्स है वो सलाइवा रिलीज करता है, और पास्ट और फ्यूचर के थॉट्स को पूरा भूल जाने का, प्रेजेंट में रहने का, और प्रेजेंट में रहकर इसको एंजॉय करने का। क्योंकि जो भी भगवान ने गिफ्ट्स दिए वो सब प्रेजेंट मोमेंट में ही है। पास्ट तो चला गया और फ्यूचर का कुछ पता नहीं, तो प्रेजेंट को ही एंजॉय करें। और मेरे इंस्टाग्राम में भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, @thesatvikco.com, और मेरे प्रीवियस वीडियो भी ज़रूर देखिए बार बार, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने मेरे बाकी पिछले प्रीवियस वीडियोस में भी आंसर कर दिया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपने ये रेसिपी ट्राई किया है तो इंस्टाग्राम में ज़रूर टैग कीजिए मुझे, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले ऐसी वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।